आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर बता दें आपको, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी की उनकी गारंटियों को लेकर हिसाब मांगा है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राहुल गांधी ने 2 करोड़ नौकरी, किसानों की आय दोगुनी, काला धन वापसी, महंगाई घटाने को लेकर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने यह निशाना साधा है। देखिए, जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव पास आते जा रहे हैं, लगातार सियासी बयानबाजियों का दौर जारी, और एक बार फिर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने निशाना साधा है और पीएम मोदी को लेकर ये उन्होंने कहा है कि तमाम जो उन्होंने वादे किए थे उसको लेकर हिसाब मांगा गया है, यानी कि गारंटियों को लेकर हिसाब मांगा गया है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने 2 करोड़ नौकरी, किसानों की आय दोगुनी, काला धन वापसी, महंगाई घटाने को लेकर हिसाब मांगा है प्रधानमंत्री से। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो कि लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं और इस बीच वो केंद्र सरकार को भी घेर रहे हैं, और उन्होंने इस बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी से उनकी गारंटियों को लेकर हिसाब किताब मांगा। ये वो सोशल मीडिया पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम मुद्दों को उठाते हुए उन्होंने निशाना साधा है और इन तमाम मुद्दों को लेकर हिसाब मांगा है, चाहे उसमें 2 करोड़ नौकरी को लेकर सवाल हो, किसानों की आय दोगुनी लेकर सवाल हो, या फिर काला धन वापसी को लेकर सवाल हो, महंगाई घटाने को लेकर भी राहुल गांधी ने सवाल उठाए और प्रधानमंत्री से हिसाब मांगा। Zini.